हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, पर मैं तो यही कहूंगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। कभी कभी जब लड़कों को गुल्ली डंडे खेलते देखता हूँ तो जी लोट पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। देखा वो उत्साह, वो खिलाड़ियों के जमघटे, वो पदना और पदाना। मुझे तो गुल्ली सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। अब जाके देखो अपने मुन्ने को कहाँ है। जाती हूँ। मैं तो खा लूंगा जो भी रोटी और चावल तुमने दिया। मुन्ने के पते नहीं है। गुल्ली डंडा गुल्ली डंडा। मेरा दाव देकर जाओ। पदाए तो बड़े बहादुर बन गए, पत्नी की वे क्यों भागे जाते हो? साले हरामी, हट जा। तू साला हरामी, हरामी का पिल्ला। आपको बचपन की सब बातें याद हैं? बिल्कुल, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। अरे तुम वही गया हो जिसके हाथ में गुल्ली अपने आप आकर बैठ जाती थी, हैं? वो दाएं बाएं कहीं भी हो सीधे तुम्हारे हथेली में पहुंचती थी, जैसे उन गुल्लियों पर अपना वशीकरण डाल देते थे। चलो सरकार, अब अंधियारा बहुत हो गया, अभ्यास छूट गया है तुम्हारा, कभी खेलते नहीं। अब समय कहाँ मिलता है सरकार खेलने का। मनीष बाबू हमारे बचपन के दोस्त हैं। अरे तू ठहरा दो टके का मजदूर, अब वो इतने बड़े अफसर, तेरा उनका क्या जोड़। अब आओ। का खेल होगा, सभी खिलाड़ी आएंगे पुराने, आप आओगे? धांधलीबाजी कर रहे हैं भैया। अब आप हम धांधली कर रहे हैं और नहीं तो क्या, हारने की बेर आए तो बेईमानी पे उतर आए। क्या ससुर बेईमानी खुद कर रहा है और हमको बेईमान कर रहा है? हमको बेईमान कर रहा है तू? दिमाग शांत रखा करो खेलते समय। आप हमारे मेहमान हैं और अब आप बड़े अफसर भी हो गए। ना